अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू MA प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, पाक फिजाइया की तारीख रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ही फैसले करती है और यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आज भी F-16 और मिराज तैयारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो उड़ते हुए इंडियन ताबूतों से बेहतर तसव्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुल्की साख्ता थंडर तैयारों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि पाक फिजाइया को ट्विन इंजन तैयारों के कम अज कम 2 स्क्वाड्रन दरकार हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि वो कौन से ट्विन इंजन तैयारे हो सकते हैं जो मुस्तकबिल में पाक फिजाइया का हिस्सा होंगे। मगर उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन मोहतरम, GF-17 थंडर की सलाहियतों से इनकार नहीं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद पाक फिजाइया को किसी दूसरे तैयारे की जरूरत नहीं रहेगी तो वो गलत है। ज्यादातर दिफाई माहरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन 4 तैयारों में से कोई एक तैयार पाक फिजाइया में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 4th नंबर पर चीन का बनाया गया J-16 है। J-16 की नुमाया खसूसियात का जिक्र करें तो ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट है। चीन ने अपने G-11B के एयर फ्रेम में 2 मॉडिफिकेशन के बाद इसे डेवलप किया था। तहम माहरीन का यह मानना है कि चीन ने SU-30M के आई की बेसिस पर इस तैयारे को डिजाइन किया है। इस तैयारे के 2 वेरिएंट्स हैं, J-16 और J-16D। अगर इस तैयारे के इंजन की बात करें तो इसमें चाइनी साख्ता WS-10B इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 96 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 145 किलो न्यूटन है। दोस्तों, ये एक हैवी वेट तैयारा है, इसलिए ये तैयारा 35,000 किलोग्राम का वेट कैरी कर सकता है। स्पीड रेंज और सर्विस सेलिंग में भी ये तैयारा आज के दौर के तैयारों से बेहतर है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड 2.4 मैक, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, जबकि ये तैयारा 66,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करने की भी सलाहियत रखता है। इसी तरह इसमें PL सीरीज के तमाम मिसाइलों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल, सेटेलाइट गाइडेड और लेजर गाइडेड बमों को भी लगाया जा सकता है। नाजरीन मोहतरम, इस लिस्ट में 3rd नंबर पर चीन का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे हम J-31 के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह की नुमाया खसूसियात का जिक्र करें तो ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। दोस्तों, इस तैयारे में JF-17 थंडर में इस्तेमाल होने वाला इंजन RD-93 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि चीन ने इस तैयारे में मुल्की साख्ता WS सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड मैक 2, कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर और ये तैयारा 28,000 किलोग्राम का लोड के साथ टेक ऑफ करने की भी सलाहियत रखता है। चीन की जन्म से ज्यादातर मालूमात शेयर नहीं की गई, तहम इस तैयारे में भी PL सीरीज के तमाम मिसाइल लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के साथ साथ शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। नाजरीन मोहतरम, इस लिस्ट में 3rd नंबर पर रूस का बनाया हुआ MiG-35 तैयारा है। MiG-35 4+ जनरेशन का एक ट्विन इंजन मल्टी रोल तैयारा है। इस तैयारे में RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 53 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 88.3 किलो न्यूटन है। इस तैयारे का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड मैक 2.2, कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर, जबकि ये तैयारा 52,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस तैयारे में अगर लगे हुए आर्मामेंट की बात करें तो इस तैयारे में दौरे हाजिर के जदीद तरीन रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन मोहतरम, पहले नंबर पर रूस का बनाया हुआ ही एक ऐसा शाहकार है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली तरजीहात में से हो सकता है। दोस्तों, SU-35 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो इसमें सैटर्न AL-41 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 86.3 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 142 किलो न्यूटन है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर फी घंटा, कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम और यह तैयारा 59,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, रूसी साख्ता SU-35 का शुमार दुनिया के जदीद तरीन तैयारों में किया जाता है और इस तैयारे में दुनिया के एडवांस तरीन मिसाइलों को लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में इंडियंस के गोश गुवार करता चलूं कि ढंडोरा पीटना हमारी फितरत में शामिल नहीं है। यूं तो मौजूदा वक्त में भी पाक फिजाइया इंडियन फटीचर फिजाइया से 10 गुना ज्यादा एडवांस और प्रोफेशनल है,
जिस बात का इकरार अभिनंदन कर चुका है। लेकिन आज नहीं तो कल इन चारों तैरों में से भी एक तैरा पाक फिजाइया का हिस्सा होगा। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।